वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हर्बो हेल्थ में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी जो जानकारी वाली वीडियो है वो पहुंचती रहे। साथ ही साथ आपके कमेंट्स के जरिए से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम जानकारी की वीडियो बनाते रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वो पेनिस अलाइनमेंट को लेकर के है कि क्या पंप का इस्तेमाल करने से पेनिस का जो अलाइनमेंट है वो हो जाता है। ये तो हम बता चुके हैं कि हाँ, इससे पेनिस अलाइनमेंट हो जाता है, 2 इंच तक पेनिस बढ़ जाता है। लेकिन आज की जो वीडियो का मेरा खास मुद्दा वो ये है कि एक व्यूअर्स की परेशानी है कि कितने टाइम पंप का इस्तेमाल करें, यानी कि जो एक्सरसाइज का टाइम है, यदि वो पंप लेते हैं तो वो कितने मिनट तक इसकी एक्सरसाइज करें। जब ये पंप उनके पास आता है तो क्या उसको धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाना है या बहुत देर तक करना है, इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी ये वीडियो चलेगी। तो दोस्तों ये है वो पेनिस अलाइनमेंट पंप जिसका नाम है हैंडसम अप पंप। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सिलेंडर है पंप का वो लगभग 8 और 9 के बीच में इसका साइज है। इसमें जो प्रेशर करने के लिए है, कोई ऐसे खींचने वाली गन्नी दी गई, इसमें बलून दिया गया है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर रिलीज करने के लिए बटन दिया गया है, साथ में 3 अलग अलग रबड़ दी गई है। पेनिस पंप की स्लीव बोलते हैं इसको, अलग अलग रंग में दी गई है, अलग अलग साइज में दी गई है। इसको यूज करने का तरीका, पहनने का तरीका क्या है कि पहले आप इस रबड़ को ऐसे लगा देंगे, फिर आपका ये रबड़ अब इस पर लग गई है, अब ये पंप तैयार है आपका यूज होने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज के लिए पंप अब तैयार है। तो ये इसका पूरा असेंबलिंग होती है इस तरह से, ये पाइप है इसके अंदर, ये पूरा सिलेंडर है, ये इसका वैक्यूम जिससे प्रेशर बनता है वो बलून है, साथ ही साथ इसमें प्रेशर रिलीज करने के लिए बटन दिया गया है। तो ये पूरा हमारा पंप है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसमें हम बात करना चाहते हैं, वहीं से शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि कितने मिनट जब आपको ये पंप मिलता है तो शुरू में आपको कितने मिनट इससे एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ दोस्तों, पंप का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप पंप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है, या फिर आप किसी कार्डिक पेशेंट है, या आपको कोई बीपी की समस्या है, या फिर कोई आप ब्लड पतला करने की दवा खा रहे हैं, तो आप पंप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद करेंगे। जो कि आप हमारे पास जब कॉल करते हैं, जब आपको ये दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जाता है, तो आप ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो कंसल्ट करते हैं, फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके कि आपको क्या पंप दिया जाना चाहिए या नहीं, तब आप तक ये पंप पहुंचाया जाता है। अब इसका यूज करने का तरीका बताते हैं, इसका यूज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको पंप बिल्कुल भी बिना ऑयल के यूज नहीं करना है, ये एक बात। जब आप पेनिस पंप के लिए एक्सरसाइज के लिए तैयार हो तो सबसे पहले आपको ये इरेक्शन ऑयल अपने पेनिस के ऊपर लगाना है जिसका नाम है गो ग्रेवल इरेक्शन ऑयल। यहाँ पे एक बात बता दें कि ये ऑयल हमारे पास अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है, ये 30 ml में भी है, ये 100 ml का है। इस पंप के साथ जो ऑयल आता है वो 30 ml आता है। ये लीच ऑयल में भी है, अर्थ वॉर्म ऑयल भी है हमारे पास, और प्योर हर्बल ऑयल भी है। तो अलग अलग ऑयल हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले आपको अपने पेनिस के ऊपर 10 से 12 बूंदे ऑयल की लगानी है, फिर पीछे से आगे की ओर मसाज करना है। जब पेनिस के अंदर इरेक्शन आ जाए तो पेनिस को आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से प्रेशर को क्रिएट करना है। जब आप प्रेशर को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना इसमें जो पेनिस है वो खींचता हुआ दिखाई देगा। इसमें स्केल भी बना हुआ है। यहाँ दोस्तों खास बात है कि इसमें स्केल बना हुआ है, तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपका पेनिस खींच रहा है, बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी कंडीशन में आपको 3 से 4 मिनट तक बैठे रहना है और प्रेशर को रिलीज कर देना है। आज की एक्सरसाइज आपकी यहीं पर खत्म हुई। अब नेक्स्ट डे आपको फिर इतना ही करना है, एक एक बार करके करें, ज्यादा ना करें, एक एक बार करके करें, फिर अगली बार ऐसी करना है। फिर कम से कम 10-15 दिन बाद आप इसकी टाइमिंग को 5 से 10 मिनट कर दें। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेनिस के अंदर इंसर्ट करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, 3 मिनट तक बैठे रहना है, उसके बाद प्रेशर को रिलीज कर देना है, फिर प्रेशर क्रिएट करना है, 3 मिनट के बाद प्रेशर को रिलीज कर देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, तो आपकी एक्सरसाइज होगी वो टोटल 10 मिनट होगी। मैक्सिमम 10 मिनट बहुत है एक्सरसाइज करने के लिए। वो लोग जो कम से एक्सरसाइज कर रहे हैं 20 मिनट कर रहे हैं, 30 मिनट कर रहे हैं, 25 मिनट कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। ज्यादा दबाव ना दें पेनिस के ऊपर, ज्यादा दबाव देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तरीका होता है हर चीज का इस्तेमाल करने का। अगर आप जिम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको एक्सरसाइज करने का तरीका बताया जाता है कि आपको एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। सेम वही यहाँ पर भी है, आप जब ऐसे एक्सरसाइज करेंगे अपने पेनिस की तो इसका एक तरीका है, उस पर आप अमल करते हुए एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों ये पेनिस अलाइनमेंट पंप जिसके जरिए से आप पेनिस की लंबाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर लिंग में ढीलापन है उसको भी दूर कर सकते हैं, और यदि टेढ़ापन है तो उसको भी इससे
ठीक कर सकते हैं। ये पंप और ये ऑयल हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको ये पंप हमारे से मंगाना है तो जो नंबर आपके स्क्रीन पर समय आ रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, एसएमएस करें, कॉल करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।